आमना जो है ना उमेर भाई के कपड़े पहने और उमेर भाई की नकलें उतारे। तुमने लगाना है अपने मुंह पे आटा और जाना है मेरे साथ शॉपिंग करने। ये चैलेंज है कि आमना आयशा को लगाएगी थप्पड़। आमना में तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, तो मिस नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है क्या क्या होता है आज आपकी आमना आपी के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा होगा। और आज है एक स्पेशल इंसान के साथ वीडियो, तो उस स्पेशल इंसान को भी मिलवाती हूँ आपके साथ। वो स्पेशल इंसान कौन है, तो चले जी मिलिए उस स्पेशल इंसान से। तो ये मिलिए जी स्पेशल इंसान से अन्ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं हम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो क्यों ना अनम आज हम दोनों मिलके एक जबरदस्त वीडियो बनाए, आज हम कर ले नंद और भाभी का साइन गेस, क्यों ना, क्या कहती हो? बहुत हैवी पड़ जाएगा। अच्छा ये हैवी पड़ जाएगा, हैवी पड़ जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा होगा कि आज अनम जो कहेगी और मैं कहूंगी हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। आज फर्स्ट टाइम, सोच लो, आज मेरे हाथ से फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि नंद जो कहेगी और भाभी कहेगी जी मेरे हुक्म मेरे आका। आज अनम अपने सोच ले अगले पिछले सारे बदले निकाल ली, मुझ पे उतार ली। नहीं कोई बदले, क्या उतारने? नहीं, जो दिल में आता है ना, जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो, जो भी गुस्सा है ना अंदर, वो सारा निकाल और मुझ पे उतार। सिर्फ फन के लिए एक वीडियो है, फन है, तो बस ठीक है, ठीक है, बहुत मजा आएगा, आप लोगों ने मिस नहीं करना, एंजॉय कर लेगी। तो सोच, हाँ, सोच लू चल ठीक है। अगर जो करेंगे मजा करेंगे, इसको नेगेटिव नहीं लेना। हाँ। तो जो भी होगा ना वो फन के लिए, आपको एंटरटेनमेंट, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जो मुझसे हो पाएगा तो वो मैं कर लूंगी, जो नहीं हो पाएगा तो उसको मैं कह दूंगी नो। चलो ठीक है, देख लेते। चल आज फर्स्ट पहला जो होगा ना वो क्या है? पहला ये होगा कि आप आज करेंगी, क्या करेंगी? एसी की जालियां साफ। जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं। अल्लाह, तो आप उसको खोलेंगी भी खुद और सारी सफाई जो है ना, तीनों एसी की सफाई भी करेंगी आप। मुझे लगता है नम, लगता है आपको रात को नींद नहीं आई, एसी में गंद था, एसी की कूलिंग नहीं हो रही थी। गंद था शायद, इसीलिए नम कह रही है कि इसकी ना जालियां साफ होने वाली हैं, तो आमना जो है ना सारी एसी की सफाई करे। सही है, पता नहीं आमना कर सकेगी कि नहीं। कुकिंग तो आमना बहुत अच्छी कर लेती है, वो मैं कुकिंग का चैलेंज तो नहीं दे सकती। देखती हूँ आप क्लीनिंग कैसे करती है। और आपने किसी से पूछा खुद ही आपने करने कैसे? मुझे नहीं आता करना, मुझे ओपन भी नहीं करना आता, ये सारे काम मैं ही करते होते हैं या करवाते होते हैं, मुझे कभी मैंने देखा ही नहीं ना मैंने कभी किया। अगर आप नहीं कर सकती तो कह रहे मैं नहीं कर सकती, कोई और काम कर। चले कोई नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगी, मैं हारूंगी नहीं, मैं कोशिश करूंगी, देखती हूँ क्या ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अन्नम कितनी एसियों की सफाई करनी है? टोटल कितनी है? पूरे है, हाँ। अल्लाह, तो मेरे पसीने छूट जाएंगे। चले देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। तो चले जी अनम, फिर चले कहाँ पे सबसे पहले? चले सबसे पहले जहाँ हम सोए थे ना, आप वो पहले करें। अच्छा, लगता है अनम सारी गर्मी में आयशा और मैं बच्चे पंखे लगा लगा के थक गए। पहले अनम कह रही है इस एसी का मैं साफ करूंगी, तो अनम आप पकड़िए ये मोबाइल आपके हवाले, ठीक है, ठीक है, और आप फिर मेरी वीडियो बनाएं कि मैं कैसे खोलती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं खोलने लगी क्योंकि मुझे मैंने कभी जिंदगी में नहीं ये काम किया, कभी जिंदगी में भी, कसम से। तो मैं देखती हूँ कैसे खुलता है, करंट ना पड़ जाए मुझे। नहीं नहीं, ये टूटी ना जाए, ये खड़ा नहीं होता। ये देखो, इनमें मिट्टी थी ना इसलिए हवा नहीं आ रही थी। थोड़ी है ना मम्मी, पता नहीं मम्मी से पता, बहुत काम आपको पता था मैंने आना है। हाँ, साफ करके रखते, सॉरी गलती हो गई, इसकी सजा मुझे मिल रही है, ये काम उमेर का है, मेरा नहीं है। ओए होए मिट्टी है, इसको अब मैं लेके जाती हूँ वॉशरूम में और इसको साफ करती हूँ। चले जी हम कर रहे हैं इसको साफ, क्लीन कर रहे हैं। कैसे होता है, पानी मारते हैं बस? अरे तुम हमारे घर में कौन करता है? अली, वही ना, हमारे बंदे ही करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चीजों का। वो तो आ जाते हैं,
और मुझे कहते हैं जा धो के ले के आ। मैंने कभी नहीं धोया, मैं खुद ही करते हैं। अब जैसी भी होती है ना उससे। वैसे इतनी ज्यादा गंदी नहीं है, फिर भी एकदम तुम्हें हवा नहीं आई। फिर भी हवा नहीं आई, पता नहीं एसी में आपके लगता मसला है। हमारा एसी बिल्कुल ठीक है, आपके वहां में मसला है, आपको गर्मी बहुत लगती है। चलो ये हो गया, चलिए अब मैं इसको थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ। ये गीला गीला लगाऊंगी, ये ना आज एकदम कहती है मारी जैक बन पाएगी। नहीं नंद 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 कह रही कंट पाई है। नहीं नहीं अल्लाह कर रही, मजाक कर रही, मुझे पता नहीं। वैसे गीला करते गीला गीला लगा देते हैं कि ड्राई करते बस ये अच्छी तरह झाड़ के ना। हाँ ये तो इजी था, इतना मुश्किल ये था, मैं बड़ा समझ रही थी बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा लेकिन इजी था, चलो देख लेते आगे आगे। वाह शाबाश, कर लिया ये तो आमना ने। अंदर जाना इतना मुश्किल है, और टेढ़ा मेरा ना लग जाए। चले हो गया। चलो नेक्स्ट। सारे हाथ साफ हो जाएंगे, फिर आपको ना जब हम आया करेंगे जो भी इस लेगा कूलिंग करेंगे। जब आप आओगे महीने बाद फिर मिट्टी पड़ जाएगी। चलो जी आया ना, ये भी हो गया। हाय आदमी करते हैं साफ, लड़की ने पहली दफा किया, मैंने किया, लोग करते होंगे अपने घरों में लड़कियां भी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किया। चले आपने कर लिया, अब थोड़ा सांस ले लें, पानी पी लें, अब थोड़ा सांस ले ले, फिर उसके बाद तो सोच ले अब क्या करना है, साथ क्या जुलम करना है। छोटी छोटी नाजुक नाजुक बाजू में थक गई है मेरी छोटी। कौन है ये लोग? करें जी है ना, अब फर्स्ट चैलेंज जो है ना वो मैंने कंप्लीट किया है, सही किया है। मेरे हाथ तो मैंने ठीक किया है, बहुत ज्यादा थक गई, पसीने छूट गए थे मुझे ये साफ करते क्योंकि गर्मी में ये काम करना हार्ड है ना। हाँ अब सेकंड क्या करेंगी आप? सेकंड आप मुझे ना एक शरारत सूझ रही है, मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो जाग रहा है। जब का बच्चा जागा तो समझे मेरी खत्म कहानी। मेरा दिल कह रहा है कि आमना से ना कुछ ऐसा करवाऊं कि ना सब हंसे, आप लोग भी हंसे ना। तो मेरा दिल कह रहा है कि आमना जो है ना उमैर भाई के कपड़े पहने और उमैर भाई की नकल उतारे। अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ये काम अनम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है आज मैं घर से ना निकल जाऊँ कहीं, क्योंकि थोड़ा सा फन होना चाहिए ना, फन भी होना चाहिए, मजा होना चाहिए, घर में भी जरा हलचल होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आमना अनम लगता ना उमैर भाई के सारे गेटअप वैसा, शूज भी, और उसके बाद उमैर की ना नकले उतारे सारे घर में। अनम बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर मैंने देख लिया ना उसने मेरी मुझे शामत ले, और आपने उमैर भाई के सामने बैठ के उनके सामने पिट के और नकले अल्लाह। मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगी, उमैर अगर कुछ बोला ना तो फिर मैं तेरा नाम लूंगी, इसने कराया। ठीक है ठीक है, कह दूंगा ठीक। चलो मैं पहनने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कैसी लगती हूँ, बहुत शर्म आ रही है, आप सबने सब हंसेंगे मुझ पे, आमना ने क्या बन गई है। चल ठीक है अनम के दिल के लिए, चलो ठीक है चैलेंज कंप्लीट करती हूँ, चैलेंज क्या कहते हैं, कोशिश करती हूँ कि मेरा चैलेंज जो है ना वो कंप्लीट हो सके। हो जाएगा हो जाएगा, चलो ठीक है जी, अब मिलती हूँ मैं उमैर की लुक में। आ जाए रेडी हो गई है उमैर, आ जाए आ जाए, कैप जूता सब कुछ पहनना था मैंने कहा था। ये आ गया है आपका भाई देखे जी, अब ऊपर तो देखे, मुझे बहुत शर्म आ रही है ना, अजीब चीज लग रही होंगी मैं। आये देखो देख रही है मम्मा, क्या मुझे देख के हंस रहे हैं, आये देख रही है, मैं कौन हूँ? अब जाना अपने उमैर के पास, ऐसे करके जाऊँ सही तरह चले ना। हाँ तो मैं चलता है। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या बना दिया इसे? अस्सलाम वालेकुम, ये क्या? अच्छा मैं भी कहूँ उमैर उमैर की आवाजें आ रही, मैं पर हिसाब किताब कर रहा हूँ यार, क्या हाल है यार? ठीक है यार, ये क्या बना दिया मेरे कपड़े, बना दिए इसको
देखो क्या बनने में मैं तो परेशान ही तो मेरे एक्टिंग करनी है एक्टिंग है बताना बतूना कुछ नहीं है एक्टिंग करनी है बस अस्सलाम वालेकुम वेलकम आपका लाइफ विद मैन में मैं हूँ आपका भाई आ गया हूँ न्यू लोग के साथ आज आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं क्या क्या करता हूँ बड़े बड़े खाबे लगाऊंगा मैं देखिएगा देखिए खाबे लगाऊंगा मैं बड़े बड़े और कैसा लग रहा हूँ मैं बच्चे ने उतार दिया बच्चा क्या नहीं मेरी मम्मा ही वो परेशान हो रही है नहीं तो ये क्या ये क्या कर क्या रहे हो तुम लोग मुझे तो समझ नहीं लग रही क्या कर रहे हो ये कुछ कर रहे हैं बाद में बताएंगे मैं लगा कैसा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ आपको छोटा हूँ मैं ऊंचे होने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी भी छोटी है इतने बड़े पैर है अल्लाह क्या करूँगा माशाल्लाह माशाल्लाह सही है बहुत शर्म आ रही है मुझे ये ना आवाज मन बेइज्जती हो नहीं नहीं अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने पारे दिलबर जानी से तो ये मिलिए मेरे दिलबर जानी से मेरा सोना मेरा पारा बहुत छोटा क्या कहता होता है ये तो बहुत ही पारा बेबी है ये तो बहुत ही पारा बेबी और अब आपको मिलवाऊंगा मिसेस उमेर से तो मिलिए मिसेस उमेर से मिसेस उमेर कुकिंग कर रही होती है हाँ ना क्या हाल है क्या अच्छी तबीयत है आज खाने में क्या बनाया तुमने चले जी अब आपको ना सारा दिन दिखाऊंगा मैं क्या क्या करता हूँ कहाँ कहाँ जाता हूँ बस आप मेरे साथ देखते रहिए अब आप थोड़ी देर बाद आगे देखिए अब क्या क्या होता है थोड़ी देर बाद मिलूंगा मैं आपको अच्छा ना आपने सेकंड चैलेंज भी जो है ना बड़ा मुश्किल चैलेंज था उमेर के सामने उमेर की एक्टिंग करना मतलब अभी तक तो उमेर ने कुछ नहीं मतलब कहा हंसा ही है वीडियो जब लगेगी तब पता चलेगा उमेर क्या कहता है तो अब जी मैं जीती हूँ दोनों चैलेंज तीसरा चैलेंज हो गया है स्टार्ट तीसरा क्या है तो अब उसके लिए पता नहीं आमना तैयार होती है कि नहीं क्योंकि वो भी जो है ना फन वाला है आमना बता थर्ड वाला कौन सा है क्या मैं करता हूँ थर्ड मैं सोच रही हूँ क्या करवाऊ तुमसे जो तुम ना कर पाओ आमना के मजा आ रहा है तो अब ये है कि आमना कर लोगी मैंने सोच लिया क्या पहले बता दे अगर मैं कर लूंगी तो ठीक है ऐसा करो ना मुझे शॉपिंग तो करवाओ ना तुम तो यार हाँ। शॉपिंग शॉपिंग में फिर एक चैलेंज भी है ना चैलेंज कौन सा चैलेंज वो ये चैलेंज है कि तुमने लगाना है अपने मुंह पे आटा और जाना है मेरे साथ शॉपिंग करने ऐसे तो नहीं होता है मेरी बदनाम कर देगी तो मैंने आटा लगा लो या मेहंदी लगा लो या हल्दी लगा लो मेहंदी तो नहीं लग सकती बहरहाल क्योंकि स्किन का मसला होता है लेकिन हल्दी भी लगा सकते हैं हल्दी और आटा भी लगा सकते हैं अच्छा मैंने ना व्हाइट कलर का दुपट्टा पहना हुआ तो हल्दी तो नहीं मैं लगा सकती कपड़ों में लेकिन आटा मैं लगा लूंगी लेकिन अन्नम तो मेरी बड़ी रास्ते में लोग मुझे पहचानने के लोग आटा वाली लड़की आई हुई है ऊपर आटा लगा नहीं कर सकती तो ना करो चैलेंज है नहीं कर सकती चलते है ना किधर चलो मैं देखती हूँ देखते हैं किचन में लगाती हूँ चले मैं आमना भाभी को ले आई हूँ किचन में आटा ढूंढो आटा मेरे घर में खत्म हुआ मुझे नहीं पता आटा खत्म है अन्नम आटा नहीं है आटा क्या करूँ नहीं कर सकती तो आमना कोई मसला ही नहीं नहीं मैं हार नहीं मानूंगी मैं हार मानने वाली नहीं हूँ मैंने चैलेंज बहुत किए हुए लेकिन मैं कभी हारी नहीं हूँ ठीक है आटा कट करती है आटा इधर आटा रखा ये मेरी ब्यूटी का राज है आटा तो अच्छा होता है स्किन के लिए आटा लगाना है चलो कोई नहीं आटा लगाना है लगा के चले जाते हैं तो लगा ली आटा बस इतना ही लगा के जाना है नहीं नहीं मैं बताती हूँ कैसे लगाना है दूर आना बाहर अन्नम का ख्याल करी मेरा ख्याल ही करूंगी सही तरह फिर भाभी की इज्जत कैसा हाल है चैलेंज सही तरह करना चाहिए ना फिर पता है ना चैलेंज क्या होता है मतलब कौन बदला ले रही हो मुझसे कोई बदला नहीं ले रही मेकअप का बदला ले रही है मेकअप लगा के जाती है हर वक्त शॉपिंग करने नहीं नहीं
मैं चाहती हूँ अच्छी तरह आपका चैलेंज जो है ना वो कंप्लीट हो, ताकि सब आमना की तारीफ करें। बस होने लगे तो तुम्हें लगता मेरा वो फेशियल करने लगी आटे का। बस बस हो गया। चले जी अब देखें, अच्छा लग रहा है। कैसी लग रही है? बेस लग रही है भाई। अच्छा लग रही है ना? अच्छा अच्छा लग रही हूँ। बच्चे हंस रहे हैं। अच्छा लग रही हूँ। चैलेंज जी शीशा तो देखूं, शीशा देख के पता चलेगा मैं कैसी लग रही हूँ। हसीन लग रही है। ओह माय गॉड अदन तूने इतना इतनी ज्यादा बेस लगा दी है मुझे। देखो अब पता चल रहा है कि सही बेस लगी है। यहाँ पे मैंने कह तो दिया है मैं किस तरह जाऊंगी, इतनी बुरी मेरी शक्ल लग रही है ना मैं बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं कौन हूँ, पागल हूँ। कन्नम मैं बहुत जुल्म किया है। एक हल है मेरे पास, दुपट्टे में छुप के तो जा सकती हूँ ना। चलो भी ऐसे चली जाऊंगी। चलो दुपट्टे में छुप के नहीं जाना है, ऐसे जैसे लेके जाती हो ऐसे ही जाना है। थोड़ा सा तो तरस खा लो अपनी नहीं कंप्लीट करूंगी, मुकम्मल करूंगी अपना चैलेंज और इसी तरह जाऊंगी। कोई नहीं लोग हंसेंगे कोई बात नहीं, लोगों को सब पता चलेगा आटे के नीचे आमना है। पहचाने जा रही हूँ मैं, देखेंगे ना जाती है कि नहीं। अभी उसके दिल में अनम को मजा आ रहा है, अनम को खुशी हो रही है। चलिए जी आज आपकी आमना अपनी जो है ना फर्स्ट टाइम जिंदगी में आटे पे जाएंगे। जी शॉपिंग करने आ चुके हैं और दो लड़कियां मेरे साथ हैं और मेरे मुंह पे आटा लगा के अंदर औरतें भी आएंगी, पता नहीं वो क्या सोच रही हैं। चले अंदर चले आटा, मुझे लग रहा है आपका आटा उतर गया, क्लोज लो लगा हुआ। चलो मन से दिखाते हैं जरा, देखे लगा हुआ लगा हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों लग गई है देखने के लिए और मुझे कितनी शर्म आ रही है, सबकी मुँह पे आटा लगा और ये मस्त हुई है, कितनी खुश है दोनों मुझे बदनाम मेरे मुँह पे आटा लगा के। यहाँ पे अनम सेलेक्ट कर रही है कि अनम को कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। ये देखें जी अनम, मुझे कलर अच्छा लगा और ये वाला मुझे ये अच्छा लगा है अनम। ये वाला अच्छा लगा। साइज होगा ये लॉन है, प्योर लॉन है ये, सॉफ्ट वाली है ना। अनम कितनी देर तक सजा मिलेगी? मुंह धो लूं पहले? साइज से देख ले, साइज से बोल ना जल्दी से, साइज से देख लो। बड़ी प्यारी लग रही हो दोनों ना। नहीं ये पसंद आया इसमें तो साइज, लेकिन अनम का साइज ही नहीं मिला। अनम क्या होगा, अनम को साइज नहीं मिला तो मेरी किस्ती हो जा रही है। लोग मुंह धो देख रहे हैं लड़की का बड़ा शो हो गया। अनम चैलेंज हो गया है, हो चुका है और हैप्पी हैप्पी है। लोगों ने मुझे सबने घूर घूर के देखा ये लड़की क्या बनी। अब अम्मी के घर जाके अपना मुंह धोती हूँ, साथ ही ना मैंने मुंह धो लिया है। अम्मी आज ना मेरे से बड़ा जुल्म किया मेरी नंद ने, क्या किया मुझे मुंह पे आटा लगा के मुझे शॉपिंग करवाई है। शॉपिंग की है खुद, बल्कि खुद शॉपिंग किया। लोगों ने कुछ कहा? लोग मुझे देख के खराब थे, ये लड़की क्या है मुझे आटा लगा के शॉपिंग जा रही है। ऐसे जाना, एक एक बंदा मुझे गार्ड तक देख रहे थे कि ये क्या बन के लड़की है, मुंह में क्या लगा रहा है। पूछा तो किसी ने, लेकिन मुंह थे वहाँ शॉपिंग करने के लिए और थे आदमी जो शॉपिंग कर रहे थे होगी। हाँ लेकिन लेडीज जो थी ना उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या है, इसने मुंह पे आटा लगाया। मुझे ऐसे करके जाते ना ऐसे कर रहे, ये चैलेंज तो किया मैंने कम्प्लीट। मुझे लगता है हमने नहीं करेगी, हार नहीं मानती। चलो देखते हैं करती है कि नहीं करती। मैंने अब मैं बताती हूँ वो क्या चैलेंज है। वो चैलेंज है, चले आयशा आगे बैठे जरा इधर। अब कौन सा चैलेंज आ गया आयशा के साथ? अभी देखते हैं ना, अब ऐसा चैलेंज है कि देखते हैं आमना वो कर पाएगी कि नहीं। चैलेंज ये चैलेंज है कि आमना आयशा को लगाएगी थप्पड़ मैं क्यों मारूंगी इसको? आप बताओ ये कर पाओगी कि नहीं? इसने क्या गुनाह किया जो मैं इसको थप्पड़ मारूंगी? आयशा ने चैलेंज है ना,
किसी भी तरह तुम मतलब ये कोई और करवा लो, ये चैलेंज भी ठीक है और करवा लो। नहीं आपको तो लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाना तो देख लो, नहीं लगाना फिर आपका ये चैलेंज है इनकम्प्लीट। आयशा मेरे सामने हो, आयशा को थप्पड़ लगाना है, चलो खड़ी हो। क्यों किया आयशा को? खुद ही तो क्या आयशा को थप्पड़ मारो, चैलेंज कंप्लीट करो। आना कभी हार नहीं मानती, चैलेंज कंप्लीट करती होती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक बात याद होगी, मैं आयशा को कभी थप्पड़ नहीं मार सकती क्योंकि आयशा को मैं अपनी माँ की थप्पड़ मैं खाना चाहती हूँ, माँ का दर्जा देती हूँ, तो माँ को कभी थप्पड़ नहीं मार सकती, तो इसीलिए मैं थप्पड़ नहीं। ये वाला चैलेंज कम्प्लीट हुआ, इसके बदले तुम मुझे और भी चैलेंज क्या करना चाहिए। अच्छा मैं अभी सोचती हूँ, अभी जरा अम्मी की तरफ हाँ जी मैम आप घर आ चुके हैं। अब ऐसा है कि तीन जो थे ना, वो जो उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी थी, वो जो मैंने कंप्लीट नहीं है चैलेंज, और एक जो था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैम आप पांचवा बता दो क्या, क्योंकि चौथा मैंने किया नहीं है, तो पांचवा तुम लास्ट वाला बता दो मैं क्या। बस मैंने अब बस फोर ठीक है, फोर ठीक है। मजा आया, मजा आया आपको? मजा आया मुझे, मजा आया, एंजॉय किया मैंने, सबसे ज्यादा मुझे मजा आया उमेर बन के। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा कि मुझे उमेर बन के कैसा लगा। और आटा लगा के बहुत शर्म आई, बहुत ज्यादा शर्म, इतनी शर्म आई कि मैं छुप छुप के गुजरा। थोड़ा सा डिफरेंट था, हाँ हर जो चैलेंज था ना वो डिफरेंट डिफरेंट था। बहुत मजा आया, अन्नम का दिमाग बड़ा चल रहा था, और भी कह रही थी कि मेरे दिमाग में चल रही है। तो चले ना, बहुत अच्छा लगा आप आई और यस हमने किया, बहुत मजा आया मुझे। और ये नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। अब हम ऐसा है कि लास्ट में ऐसा कि हम खाबे ना लगाए तो कैसा हो सकता है। अब हम अनम को लेके जाएंगे खाना खिलाने के लिए और साथ में अनम को करेंगे घर पे ड्रॉप। चले भाई खाना खाने चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अनम यहाँ पे मेन्यू आप डिसाइड करें जो खाना है। हाँ जी आप डिसाइड करें, करें डिसाइड करें जल्दी से। ये बच्चे और उमर ये सारे बैठे हुए हैं। बारबेक्यू ठीक है, ऑर्डर कर दे। तो खाना शाना खा लिया, अब घर आ चुके हैं, उनका ड्रॉप भी कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो, यकीन आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा होगा। अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।